का गत्ता उठाया और नीचे देखा मेरे पाँव के ऊपर चढ़ गया था। ये आपके पाँव के ऊपर चढ़ गया था तो ये देख गुस्से। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो ये वॉशिंग मशीन आप देख लीजिए और यहाँ पे इस सांप की पहरेदारी के लिए घर के मेंबर्स और यहाँ पे एक खौफ, एक डर का माहौल एक परिवार में हो ही जाता है जब सांप हमारे घर में निकल आता है। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे छोटे भाई राहुल सोडी। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस मशीन के नीचे एक सांप है। तो मैं राहुल भी ऐसे अनुरोध करूँगा कि ये देखिए ये सांप, तो दिखा है, दिख रहा है रैट स्नेक। कोई बात नहीं, तो एक मिनट आ रही है, मैं यहाँ से, अरे हाँ नहीं भैया खींचो बाहर सीधे हुई हूँ ना, पता लग गया ना क्या क्या बात करते हैं। यहाँ पे छोटू भैया को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, दूर से शायद मैंने छोटू भैया ने देखा था, तो छोटू भैया ने सोचा कि शायद ये एक रैट स्नेक होगा। बट आपको बता दूं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, न्यूरोटॉक्सिक वेनम, 40 मिनट का समय और काफ़ी गुस्से में ये सांप। ये देख गुस्से, हाँ लगता है डर। मैम आपको कितना लगता होगा ये सोचिए, आप अंदर से बोल रहे हैं, ये इनका रोज का काम है। प्लीज़ आप चुप करिएगा प्लीज़ वीडियो में, अदरवाइज आपकी ही आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे छोटू भैया इस कोबरा के साथ खेलते हुए, देखिए कोबरा के साथ जब भी कोई हलचल होती है, जब भी जहाँ वो छिपा होता है, यहाँ पे जहाँ बैठा होता है, जब उसको वहाँ से निकाला जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, तो सांप काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस सांप के साथ भी ऐसा ही है, ये सांप काफ़ी गुस्से में इस वक्त, ये देखिए। तो इस सांप की कोशिश, हालांकि ये बहुत ही सुंदर ये सांप है, काफ़ी सुंदर इसके स्पेक्टिकल्स हैं। तो ये किसने देखा था पहले, हैं? आ जाओ एक मिनट के लिए जल्दी। ये आपने देखा था, आपका नाम? रेणु देवी। ये बहन जी कब देखा आपने? सुबह मैं ना इसका गत्ता उठाया और नीचे देखा मेरे पाँव के ऊपर चढ़ गया था। ये आपके पाँव के ऊपर चढ़ गया था, तो भगवान शिव का ये शुक्र है, आशीर्वाद है कि सांप की वजह से यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो काफी गुस्से में ये सांप, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सांप को काला रंग ज्यादा दिखता है। ये मुंह लग गया है ना, लग गया ये उसके मुंह के साथ कुछ लगा हुआ है, तो ये उसको उतारने की कोशिश करते हैं। जी जी तो आपको बता दें, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, 40 मिनट का समय ये सांप इंसान को देता है, होता कुछ नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो। देखिए किसी भी झाड़फूंक के चक्कर में पड़कर आप समय व्यर्थ ना करें, अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए। तो इन दिनों में हमारे यहाँ पे बरसात का मौसम है, तो बहुत सारे सांप यहाँ पे निकल रहे हैं, बट भगवान शिव की अपार कृपा है कि जैसे बहन जी ने बताया कि इनके पाँव के साथ लिपट गया था ये सांप, तो भगवान शिव का ही आशीर्वाद है कि हमें हमारी नज़र कहीं ना कहीं इन सांपों पर पड़ जाती है। इस सांप की भी जान बचाना ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण के लिए हर एक जीव जो है वो ज़रूरी है। तो देखिए इस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है, तो अब हम इसको पैक करते हैं
और इसके उचित वातावरण में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये पास है किधर आ जू, ये काफी सुंदर ये सांप है, ये आप इस सांप के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अपनी आधी हाइट से ज़्यादा इस सांप ने अपने आप को उठा लिया है और यहाँ पे राहुल सोडी सांप के साथ खेलने में मशगूल है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये आपके गुस्से का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आधी हाइट से ज़्यादा इसने अपने आप को उठा लिया है और यहाँ पे राहुल सोडी जो कि बड़े से बड़े सांप के साथ खेलने में माहिर हो चुके हैं। अब हम इस सांप का रेस्क्यू कर चुके हैं, अब हम इस सांप को पैक करते हैं। ये पकड़ी इसको थोड़ा सा पास ही, उंगली आगे ना आए उसके। तो अब हम इस सांप को पैक करते हैं। अनुरोध करूंगा कि छुटके आप इसे पैक कर दीजिए। पर ये देखिए, ये देखिए, ये अभी भी सांप की कोशिश इस डिब्बे से बाहर निकलने की है और इस सांप के गुस्से का अंदाज़ आप देखिए। अब छोटू भैया से अनुरोध करूंगा कि आप इसे पैक कर दीजिए। तो धन्यवाद ही हूँ इस परिवार का भी कि आप लोगों ने इस सांप को कोई नुकसान ना पहुँचाते हुए हमें यहाँ पर बुलाया और इस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। तो परमपिता परमात्मा द्वारा बनाया गया हर एक जीव जो है हमारी सृष्टि के लिए, हमारी धरती के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से सांप अगर इस धरती पर ना हो तो 32 से 40% अनाज जो है वो चूहे जो है वो बर्बाद कर देंगे और हम इंसानों में युद्ध छिड़ जाएगा अनाज के लिए। तो धन्यवाद ही एक बार फिर से। तो मेरा संदेश वही, अपने अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें। आपके घर के आसपास झाड़ियाँ हैं, जंगल है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ब्लैक फिनाइल अपने घर पे जरूर रखें। घर पे अगर पोछा भी लगाएं तो उस पानी में फिनाइल डालें, अदरवाइज बाल्टी में डालकर रात के समय में भी आप इस जगह पे फिनाइल का छिड़काव करेंगे, फिनाइल वाले पानी का छिड़काव करेंगे तो सांप कुछ हद तक इस जगह पे नहीं आएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ, धन्यवाद राहुल सोडी का। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आगे लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।